हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि CGL का एग्ज़ाम है मार्च में और CHSL का भी एग्ज़ाम है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं इंग्लिश सेक्शन की ये सीरीज चला रहा हूँ। और इस सीरीज़ के थ्रू मैं तीन चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस सीरीज़ के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, और इस सीरीज़ को एक टेस्ट की तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि प्री में आते हैं 25 क्वेश्चन, तो इन 25 क्वेश्चन को आप इस वीडियो क्लास को पॉज करके एक एक क्वेश्चन पर आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप मेज़र कर सकते हैं कि किस तरह की आपकी तैयारी है और क्या कॉन्फिडेंस आपका लेवल है। तो ये सीरीज जो है CGL, CPO, स्टेनो, CHSL और MTS, इन सभी एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेगी, और इसको आप एक टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट को। ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है और ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस मॉक टेस्ट को देखने से पहले, ये सारे मॉक टेस्ट मैं एक प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें पूरे मॉक टेस्ट दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन दिया है मेटल, और इसका पूछा है सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, इस आप चाहें तो इसको टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए, गोड का मतलब होता है प्रवोक करना, किसी व्यक्ति को उकसाना, गोड। ठीक है, करेज का अर्थ होता है साहस, वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, और विनाइन का मतलब होता है काइंड। तो मेटल हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं टेस्ट योर मेटल, आई वॉन्ट टू टेस्ट माई मेटल। मेटल मतलब करेज कितना है आपके अंदर, साहस कितना है, तो उसको हम बोलते हैं मेटल। ये वो वाला मेटल नहीं है जो केमिस्ट्री में होता है धातु, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो मेटल नहीं है ये, MeTTL, मेटल। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा करेज। ठीक है, करेज यानी साहस। अब देखिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसिमिलेट, और इसका भी आपको सिनोनिम बताना है एसिमिलेट का। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना, उस चीज को पूरी तरीके से समझ जाना, एसिमिलेट। ठीक है, तो इसका जो सही सिनोनिम होगा वो होगा इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब अपने अंदर किसी चीज को ले लेना, समझ लेना, एसिमिलेट कर लेना, तो इम्बाइब इसका सही सिनोनिम होगा। देखिए, एक ये नया वर्ड है टर्मागेंट, इसको पढ़ेंगे टर्मागेंट, यहां पर आप देख सकते हैं, और यहां पर आपको अपोजिट वर्ड बताना है इसका। देखिए, यहां डायरेक्शंस में आप देख सकते हैं अपोजिट वर्ड आपको बताना है। ठीक है, तो टर्मागेंट हम एक लड़ाकू या क्वेरलसम व्यक्ति या महिला, नॉर्मली ये महिला के लिए यूज होता है। ठीक है, टर्मागेंट, तो इसका अपोजिट क्या होगा, देखिए ब्राउलिंग का मतलब तो लड़ना झगड़ना होता है, श्रूइश का मतलब भी लड़ने झगड़ने वाली महिला, इसको हम बोलते हैं श्रूइश। टर्बुलेंट मतलब कोई भी चीज़ जो स्टेबल नहीं है, जैसे जैसे पानी है, समुद्र में जो पानी होता है वो टर्बुलेंट होता है, वो शांत नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है, लहरें होती हैं, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट। तो ये एडजेक्टिव है, टर्बुलेंस इसका नाउन होगा। तो टर्मागेंट का यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो अपोजिट होगा वो होगा चार्मिंग। ठीक है, ये एक अच्छा वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। अब देखिए, ये वर्ड भी काफ़ी बार पूछा जाता है SSC एग्जाम्स में, और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव है ये, विंडिकेट नहीं है। देखिए, एक होता है विंडिकेट और ये है विंडिक्टिव, ये एडजेक्टिव है। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, बदला लेने वाला व्यक्ति, विंडिक्टिव। और फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ करने वाला व्यक्ति, तो फॉरगिविंग इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिए कि विंडिक्टिव होता है रिवेंजफुल, यानी बदला लेने वाला व्यक्ति, और विंडिकेट का मतलब होता है किसी को उसके आरोप से मुक्त करना, जैसे हम बोलते हैं बरी करना, उसको हम बोलते हैं विंडिकेट, विंडिकेटिंग। ठीक है, और ये है विंडिक्टिव। तो इन दोनों वर्ड्स में काफी डिफरेंस है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि यदि आप CHSL के लिए या SSC किसी भी एग्जाम के लिए या CGL के लिए, Tier 1 या Tier 2 के लिए, पूरा पूरा ऑनलाइन आप पढ़ना चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसके लिए आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं examinee.in पर। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो वहां से यदि आप मेरी पेड क्लासेस चाहते हैं तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, इस पूरे वीडियो क्लास को प्लीज़ एंड तक देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग। अब देखिए ये इसमें दो वर्ड तो काफ़ी जाने पहचाने हैं, आते रहते हैं, तीनों वर्ड जाने पहचाने हैं। पेडेंट का मतलब होता है जो जो अपनी नॉलेज या अपनी स्किल को शो ऑफ करता है, उसको हम बोलते हैं पेडेंट। क्यूरेटर जो म्यूजियम को म्यूजियम की रखवाली करता है, क्यूरेटर। कस्टडियन जो किसी चीज़ की रखवाली करता है, प्रोटेक्ट करता है, कस्टडी, जैसे हम बोलते हैं ये उस व्यक्ति की कस्टडी में है, उसकी सुरक्षा में है, ठीक है। जेनिटर इसका सही आंसर होगा, वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, जेनिटर। तो जेनिटर यहाँ पर हम बोलेंगे और ये इसका सही आंसर यहाँ पर होगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इंडिफरेंट एंड केयरलेस। जो व्यक्ति केयरलेस है, लापरवाह है और इंडिफरेंट है, उदासीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए टेनरी क्या होता है, जहां पर लेदर का काम होता है, दैट इज कॉल्ड टेनरी। ब्रोक मतलब जो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, इंसॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं ब्रोक। परफंक्ट्री जो किसी भी फंक्शन को एज ए रूटीन करता है, उसमें सुपरफिशियल तरीके से करता है, उसको हम बोलते हैं परफंक्ट्री। और रैकलेस होता है आपका लापरवाह। तो थर्ड यहां पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के डार्क साइड को देखता है, यानी निराशावादी, और निराशावादी को हम बोलते हैं पैसिमिस्ट। एक होता है ऑप्टिमिस्ट और एक होता है पैसिमिस्ट। तो पैसिमिस्ट यहां पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा है, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें बताइए कौन सा है। डेलीरियस का क्या मतलब होता है? डेलीरियस का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। डिल्यूसिव मतलब मिसलीडिंग, जो कुछ और बता रहा है और हो कुछ रहा है, मतलब मिसलीडिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं डिल्यूसिव। डेलीरियस कन्फ्यूज्ड। हैप्टी बहुत बड़ा, हैप्टी अमाउंट जैसे हम बोलते हैं। हीनस मतलब घृणित, घृणित कार्य कोई भी होता है उसको हम बोलते हैं हीनस। तो हीनस की स्पेलिंग इसमें गलत है, H E I होना चाहिए, ये HEINOUS। तो फोर्थ स्पेलिंग इसमें गलत है। अब देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, देयर वॉज नो स्ट्रक्चरल इन पैसेंजर फेयर्स एंड फ्रेट टैरिफ ड्यूरिंग 2011 एंड 12। मतलब 2011-12 के दौरान पैसेंजर फेयर्स में, पैसेंजर के किराए में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल के साथ क्या वर्ड आ सकता है? स्ट्रक्चरल चेंजेज हो सकता है। एक्चुअली ये चेंज या चेंजेस इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा चेंज। सिंस टूरिज्म डजंट फॉल अंडर अ सिंगल हेडिंग इन इंडियाज नेशनल अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स, इट्स कंट्रीब्यूशन हैज टू बी। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, चूंकि टूरिज्म को एक अलग हेडिंग में एक पर्टिकुलर उसका कैलकुलेशन नहीं होता, इसलिए उसको हम प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको केवल हम गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर गैस तो एक जनरल टर्म है, लेकिन जो ऑफिशियल टर्म होता है गैस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, वो होता है एस्टिमेटेड। तो यहां पर एस्टिमेटेड सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि टूरिज्म को, टूरिज्म एक अलग हेडिंग के अंतर्गत उसका कैलकुलेशन नहीं होता है, उसको कंबाइंड करके हम उसको कैलकुलेट करते हैं, इसलिए उसका केवल एस्टीमेशन ही किया जा सकता है। तो एस्टीमेटेड यहां पर इसका सही आंसर आपका होगा। अब देखिए ये हैं आपके एरर के क्वेश्चन, तो इनको करते हैं। करप्शन इज सच अ प्रॉब्लम दैट इज फाउंड यूनिवर्सली एवरीवेयर। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है और ये टिपिकल SSC क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए एवरीवेयर का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सली, और यूनिवर्सली का मतलब एवरीवेयर, यूनिवर्सली मतलब हर जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह, यानी ये दोनों वर्ड्स ये सुपर फ्लूअस हो रहा है। तो करप्शन इज सच ए प्रॉब्लम दैट इज फाउंड एवरीवेयर, यानी यूनिवर्सली की इसमें जरूरत नहीं है, ये सुपर फ्लूअस हो रहा है। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अमित शोड रिमार्केबल अचीवमेंट नॉट ओनली इन आर्चरी बट ऑल्सो इन स्विमिंग। इसमें देखिए, इसमें ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, जिसमें नॉट ओनली के बाद जो एलिमेंट आएगा वही इसमें बट ऑल्सो के बाद आएगा।
तो नॉट ओनली के बाद इसमें आर्चरी है और बट ऑल्सो के बाद इसमें स्विमिंग है। तो यहां पर तो ये सही है, लेकिन यहां पर देखिए अचीवमेंट कैसा है, रिमार्केबल अचीवमेंट। तो अचीवमेंट एक्चुअली काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर हम बोलेंगे आ रिमार्केबल अचीवमेंट यहां पर, ठीक है। यहां पर आ इसमें या ए इसमें आ जाएगा, अमित शोड अ रिमार्केबल अचीवमेंट, अमित ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहां पर आपका सेकंड आंसर आपका होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट ऑन कंट्रीज स्पेशली विथ लो इनकम। मतलब ऐसी कंट्रीज जिनकी इनकम लो है, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है। वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा कठिन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें जिसमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो करेंट रिसोर्सेज हैं, उनकी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो एज इट इज काम करते रहें और उसके बाद भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट ऑन कंट्रीज। हम क्यों बोलेंगे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होगा वो किसी कंट्री में होगा, ठीक है। तो ऑन कंट्रीज ना बोलते हुए यहां पर हम बोलेंगे इन कंट्रीज, इन कंट्रीज, यही इसमें गलती है। अब देखिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक टिपिकल एसएससी क्वेश्चन है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक क्वेश्चन है कि विजिटिंग आगरा फॉर द फर्स्ट टाइम द ताजमहल इन द मून लाइट वॉज ट्रूली इंप्रेसिव। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखिए ताजमहल इन द मून लाइट वॉज ट्रूली इंप्रेसिव। यहां पर देखिए ये जो है विजिटिंग, विजिटिंग का कोई सब्जेक्ट यहां पर नहीं दिया है, कौन विजिट कर रहा है। यदि सब्जेक्ट नहीं दिया है यहां पर, तो इसका मतलब ये है कि विजिटिंग इस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यदि यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया है विजिटिंग के लिए, तो आगे आगे जो सब्जेक्ट दिया है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जो वर्ब है, ठीक है, ये इस सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाएगी, ताजमहल से। तो इस सेंटेंस का मतलब निकलेगा कि ताजमहल ने विजिट किया, जबकि यहां पर हम बोल रहे हैं किसी व्यक्ति ने ताजमहल को विजिट किया, यानी यहां पर एक सब्जेक्ट जो है ये मिसिंग है। अब इसमें देखिए विजिटिंग आगरा फॉर द फर्स्ट टाइम आई फाउंड, देखिए यहां पर ये जो आई है, ये आई है, आई क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है, आई क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है। और आई ने जब विजिट किया तो उसने ताजमहल को इंप्रेसिव पाया, यानी फाउंड और विजिट ये कॉमन वर्ब हैं एक एक आई सब्जेक्ट के लिए। मतलब एक व्यक्ति दो काम कर रहा है और कर सकता है, एक व्यक्ति दो काम कर सकता है यदि वो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं तो, ठीक है। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वो सिंगिंग डांसिंग कर सकता है यदि वो उस पर अप्लाई होते हैं, तो अप्लाई तो हो ही रहे हैं यहां पर कि एक व्यक्ति फाउंड भी कर सकता है और विजिट भी कर सकता है। तो यहां पर ये जो आई है ये कॉमन एलिमेंट है, आई जो है फाउंड के लिए भी है और विजिटिंग के लिए भी है, क्योंकि आई जो है वो फाउंड भी कर सकता है और विजिटिंग भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहां पर यदि सब्जेक्ट मिसिंग है तो इसमें जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो ताजमहल माना जाएगा, और इस सेंटेंस का जो अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा कि ताजमहल ने विजिट किया, जबकि हम बोलना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने विजिट किया ताजमहल को और ताजमहल को इम्प्रेसिव माना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सेकेंड आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा वीडियो क्लास आप प्लीज एंड तक देखिए, इसमें काफी सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको। द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, रेन्स होता है किंगडम्स, तो किंगडम्स के बीच का जो पीरियड होता है उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं। एरा तो एक्चुअली एक युग होता है कि यहां से यहां तक, ठीक है, एक युग है। लेकिन दो पीरियड्स के बीच में जो काल होता है या जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म हम बोलते हैं एक ऐसी एग्जिस्टेंस को जो ओल्ड फैशन्ड होता है। जैसे आज के युग में यदि हम लैंडलाइन फोन की बात करें तो वो एनाक्रोनिज्म का एक एग्जाम्पल माना जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ जो आउट ऑफ प्लेस है या आउट ऑफ टाइम है, अपने टाइम से बहुत पीछे है,
उसको हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। इंटरमिशन तो इंटरवल होता है, जैसे मूवीज में होता है, तो इंटर रेगनम इसका सही आंसर होगा। रेगनम, देखिए रेगनम एक्चुअली जो वर्ड है ये रीगल से लिया गया है, रीगल होता है किंगडम, ठीक है। तो इंटर रेगनम यहां पर सही आंसर होगा आपका, द पीरियड बिटवीन टू रेन्स। देखिए ये एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। एक्टिव वॉइस है ये, अगर ये पैसिव होता तो कैन बी लिखा होता यहां पर, थर्ड फॉर्म यहां पर होती। तो कंप्यूटर इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, कैन क्या है, वर्ब है, कैन परफॉर्म वर्ब है, कैन जिसमें मॉडल वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही होती है, तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। कंप्यूटर कर सकता है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म क्या कर सकता है, कॉम्प्लिकेटेड एक्शंस। तो कॉम्प्लिकेटेड एक्शन जो है ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें जिसमें कैलकुलेशन जो है ये नाउन है और कॉम्प्लिकेटेड जो है ये एडजेक्टिव है। किस तरह के कैलकुलेशंस, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस जो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इससे सेंटेंस बनेगा आपका पैसिव वॉइस, और कैन का कैन बी हो जाएगा। अब देखिए कैन बी इसमें केवल एक ही सेंटेंस में दिया है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका फोर्थ, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर्स, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, अ पोयम वॉज बींग रिटन बाय मी। तो बींग किस में आता है, बींग हमेशा पैसिव वॉइस में आता है, बींग के साथ थर्ड फॉर्म भी दी है, तो बींग प्लस थर्ड फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है ये पैसिव वॉइस में आता है, और बाय मी यानी ये एजेंट है, बाय मी, तो बाय मी जो है ये इस तरफ आ जाएगा और आपका आई से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब चूंकि बींग इसमें दिया है इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, तो ये आंसर इसका बनेगा आई वॉज राइटिंग अ पोयम, अ पोयम वॉज बींग रिटन बाय मी, तो इसका आंसर होगा आई वॉज राइटिंग अ पोयम, ठीक है। चलिए ये देखते हैं इडियम फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चन हैं, टू लीड टू द अल्टर, अल्टर मतलब बेदी पर जाना, बेदी मतलब जैसे जैसे जब किसी का किसी की शादी होती है तो वहाँ पर जो वो हैं दूल्हा और दुल्हन है जो वो अल्टर पर जाते हैं और माला डालते हैं, तो अल्टर टू गो टू लीड टू द अल्टर का मतलब होता है टू मैरी, काफ़ी अच्छा ये इडियम है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फील अंडर द वेदर, फील अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, फील इल। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रीशन, इसका क्या मतलब है एट्रीशन का, एट्रीशन का मतलब है किसी चीज को कमजोर करना, ठीक है। तो एलियास क्या होता है, एलियास जैसे एक व्यक्ति होता है उसका एक उसका घर का एक दूसरा नाम होता है, निकनेम होता है, उसका बोलते हैं एलियास। एप्ट होता है सूटेबल, असैसिनेशन मतलब किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल रीजन से मारना, और अटेन्यूएशन मतलब कमजोर करना, तो फोर इसका सही आंसर होगा एट्रीशन। ऑगमेंट का क्या मतलब है, बढ़ाना, तो इंक्रीमेंट यहाँ पर सही आंसर होगा। डिप मतलब डुबोना, वेल मतलब रोना, ठीक है वेल। सरकम स्पेक्ट ये भी एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार पूछा गया है ये एसएससी एग्जाम में। सरकम स्पेक्ट का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, तो प्रूडेंट इसका सही आंसर होगा। पेल मतलब पीला, हल्का पीला होता है, उसको हम बोलते हैं पेल। पेशेंट मतलब जो धैर्यवान है, परनीशियस मतलब जो हार्मफुल है या डेट्रीमेंटल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैबियट ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कैबियट का क्या मतलब है, कैबियट वार्निंग को बोलते हैं हम, चेतावनी। वार्मिंग गर्म करना, वार्पिंग ट्विस्ट करना, वेलिंग रोना या कराहना, तो वार्निंग इसका सही आंसर होगा। यहां पर क्या बताना है आपको, यहां पर ड्यूरेस का सही मतलब बताना है आपको, ड्यूरेस, ड्यूरेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को फुसलाना उस काम करने के लिए, कोर्स इसका सही आंसर होगा, कोर्स। डिस्कर्सिव, डिस्कर्सिव देखिए एक लेक्चर भी हो सकता है, डिस्कर्सिव राइटिंग भी हो सकती है। डिस्कर्सिव का मतलब होता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाना, ठीक है, एक मेन टॉपिक पर नहीं लिखना या बोलना, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाना, डायग्रेसिव इसका सही आंसर होगा। तो ये है 25 क्वेश्चन, ये मैं सीरीज चला रहा हूँ मॉक टेस्ट की, और इन सीरीज को आप देखिए और मेरे दूसरे वीडियो क्लास भी देखिए,
और यदि आप 90% तक स्कोर करना चाहते हैं CGL में, टीयर वन एंड टीयर टू में, तो डेफिनेटली आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं examinee.in पर। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।